हम देखते हैं क्यों ये फेल हुई, व्हाट वर द चैलेंजेस, या व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फेलियर, या विच फैक्टर्स कॉज दिस फेलियर। सबसे पहले तो फैक्टर आता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं दीज आर जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, इकट्ठी नहीं है। जब आपकी कंट्रीज इकट्ठी नहीं है तो आप कभी भी कॉपरेट इजीली नहीं कर सकते। मुस्लिम कंट्रीज हैं जितने भी मेंबर, अफ्रीका में, एशिया में है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में है, मिडल ईस्ट में है, ये सारी सेपरेट सेपरेट है, ठीक है। तो ये हर्डल है इनके कॉपरेशन में, सबसे बेसिक हर्डल तो ये है। यहाँ पे आप एक मैप भी इंक्लूड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं मेजर कंट्रीज़ को या उनकी डेंसिटी ओवरऑल बता सकते हैं, तो यहाँ पे एक मैप इंक्लूड करते हैं। सेकंड, ये पॉलिटिकली डाइवर्स भी हैं कि दीज आर पॉलिटिकली डाइवर्स एज वेल। पॉलिटिकली डाइवर्स होने का मतलब है कि दीज डू नॉट फॉलो द सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अभी भी किंगशिप्स हैं, मोनार्क्स हैं, मोनार्कीज भी हैं, डेमोक्रेसीज भी हैं, अभी तक एग्जिस्ट कर रही, अथॉरिटेरियन रिजाइम्स हैं, कुछ में डेमोक्रेटिक हैं, समझ आई। तो पॉलिटिकली डाइवर्स हैं, दे डू नॉट फॉलो सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट होगी, इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे, और जब भी डाइवर्जिंग इंटरेस्ट होते हैं तो कॉपरेट करना मुश्किल होता है। हमने देखा है कॉपरेशन कब इमर्ज होती है, व्हेन एवर देयर इज सम काइंड ऑफ कन्वर्जिंग इंटरेस्ट, कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो तो कंट्री आपस में कॉपरेट करती हैं। इफ दे आर नो कन्वर्जिंग इंटरेस्ट देन देयर विल बी नो कॉपरेशन इन इंटरनेशनल सिस्टम। हमारा सिस्टम है ही ऐसा कि एवरी स्टेट इज परसुइंग देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इधर भी यही है, जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफरेंट है तो इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे, अल्टीमेटली कॉपरेशन हर्डल्ड होगी। थर्ड देखें, अच्छा अब एक इकोनॉमिक डिफरेंस है, एक नेशनल इनकम डिफरेंस है, ठीक है। एक इकोनॉमिक डिफरेंसेस जब आ जाते हैं तो क्या करते हैं स्टेट्स, क्या ट्राई करती हैं कि अपने से या तो इक्वल लेवल पे या अपने से बड़ी। क्यों? एवरी स्टेट परसूज इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट, हर स्टेट अपना नेशनल इंटरेस्ट परसू करती है। अब एक मेजर कंट्री है सऊदी अरब, वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया को प्रेफर करती है। क्यों? क्योंकि इसके इकोनॉमिक गेन्स उसके साथ अलाइंड है, इकोनॉमिकली वहाँ से ज़्यादा गेन कर सकती है। तो इकोनॉमिक गेन्स उसी के साथ करेंगे जब मेजर जो इकोनॉमीज हैं, मेजर इकोनॉमीज ट्राई टू कॉपरेट विद अदर मेजर इकोनॉमीज, मेजर और ग्रेट इकोनॉमीज जो उनसे ऊपर वाले लेवल पे हो या उनके लेवल पे हो, ताकि एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी बने, ग्रोथ हो सके। इस बात की समझ आई? अच्छा, फोर्थ अगर देखें, अब यहाँ पे आप पॉलिटिकली डाइवर्स होने के साथ आप ये एक छोटा सा टेबल अच्छा सा डाल सकते हैं, फ्लो चार्ट सा बना सकते हैं कि इधर ये है, ये मोनार्कीज़ हैं, ये अथॉरिटेरियन रिजाइम्स हैं, ये डेमोक्रेसीज हैं, डाइवर्स हैं। नेशनल इनकम डिफरेंसेस पे भी आप जीडीपी का एक टेबल सा बना सकते हैं, इंडिकेटर बना सकते हैं कि इस कंट्री की इतने जीडीपी है, पाकिस्तान का इतना है, तीन चार कंट्रीज बहुत होती हैं, ठीक है। तो आपने बस एक एग्जांपल देनी है, अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करना। फिर इसमें नेक्स्ट आ गया कि इसमें एक इम्प्लीमेंटेशन बॉडी नहीं है जिसने कोई इम्प्लीमेंट करना, नो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी और इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, ठीक है, विद इन द सिस्टम। गोल तो रख लिए लेकिन गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। कोई कॉमन इंस्टीट्यूशन ऐसी नहीं बनाई इन्होंने जो इम्प्लीमेंट करे, जो ओवर वॉच करे, जो ओवर सी करे। और इनमें ओनली यूनिफाइंग फोर्स इज इस्लाम। अब हमने अभी तक करंट अफेयर्स देखे, हमने देखा कि यूनिफाइंग फोर्सेस क्या होती है, या तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलाइंड हो, या जियो इकोनॉमिक अलाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल BRI चाइना अलाइंड था, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है।
इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो या जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलाइंड हो। इसके अलावा अगर हम देखें पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलाइंड हो, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलाइंड हो या जियो पॉलिटिकल या स्ट्रेटजिक, कोई भी एक ऐसा इंटरेस्ट है जो आपको एक कन्वर्जिंग साइड पे लेके आ सकता है, वो यूनिफाइंग फोर्स है। ठीक है, लेकिन इन कंट्रीज में अलायंसेस ज्यादातर की डिफरेंट हैं। ठीक है, जैसे अगर आप अरब्स के देखें, अरब्स की अलायंस किसके साथ है? वेस्ट के साथ है, उसके इंटरेस्ट भी वेस्ट के साथ अलाइंड हैं। तो हमारे में सिर्फ एक कॉमन है गोल लॉन्ग रन में, दैट इज इस्लाम। ठीक है, अच्छा फिर हम यहाँ पे डालते हैं कि ना अब न्यू रियलिटीज हैं, फॉरेन पॉलिसी इज ड्रिवन बाय इकोनॉमिक गेन्स, इकोनॉमी ने ओवरटेक कर लिया बाकी सारी इंपॉर्टेंस को, तो फॉरेन पॉलिसी अब इकोनॉमिक गेन से चलती है। ठीक है, इकोनॉमिक गेन से कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने देखा केस है सऊदी अरब ने इंडिया के केस में, जब कश्मीर का उसने स्टेटस रिवोक किया तो इंडिया के केस में वो साइलेंट रहा, क्यों? उसकी ट्रेड की वजह से, जो 38 बिलियन डॉलर की ट्रेड है इनकी आपस में। ठीक है, और यूएई एंड केएसए किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की अबाउट 100 बिलियन डॉलर की कंबाइंड इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, नहीं बोले। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अभी देखें यूएई ने गेन्स के लिए किसको, इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया कि ट्रेड बढ़ेगी। ठीक है, तो अब ये रियलिटीज यही है कि इकोनॉमिक गेन्स को प्रेफर किया जाता है रादर देन दम थियोलॉजिकल और रिलीजियस गेन्स। ठीक है, सातवां, नाउ एवरी स्टेट हैज इट्स ओन एजेंडा। अब एक कॉमन पॉइंट पे भी आ जाएं, अब अरब्स के लिए क्या है? अरब्स के लिए पैलेस्टाइन उनका अपना एक इशू है कि वो इसराइल को क्यों, वो किसके अगेंस्ट जाते हैं, वो इसराइल को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करते, उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तान क्यों सपोर्ट करता है? पाकिस्तान का अपना पर्सपेक्टिव है। पाकिस्तान इसलिए अगेंस्ट इसराइल जाता है, रिकॉग्नाइज नहीं करता इंटरनेशनली, वैसे अगेंस्ट नहीं जाता, क्यों नहीं करता? क्यों? पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए कश्मीर के लिए। हम अरब्स को सपोर्ट करते हैं, अरब्स हमें सपोर्ट करते हैं। तो हर स्टेट के अपने इंटरेस्ट अलाइंड होते हैं इंटरनेशनली, जिसकी बेसिस पे वो एक चीज़ कर रही है। तो हम हमारी हर स्टेट का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, उसी को परसू कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट आपका है कि कॉपरेशन कहाँ पे होती है? जहाँ पे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो, लेकिन यहाँ पे तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है ही नहीं। आपस में ट्रेड बहुत कम है, पाकिस्तान के ऐसे की लेस देन 1 बिलियन है, पाक तुर्की की लेस देन 1 बिलियन है। ठीक है, आपस में किसी की ट्रेड नहीं है, जिसकी वजह से इंटरडिपेंडेंस नहीं है, कन्वर्जिंग इंटरेस्ट नहीं है, और अल्टीमेटली कन्वर्जिंग इंटरेस्ट ना होने की वजह से इंटरडिपेंडेंस नहीं है, और इंटरडिपेंडेंस ना होने की वजह से कॉपरेशन नहीं है। तो क्वेश्चन आपके क्या बनते हैं? पहला क्वेश्चन आपका बनेगा इस्लामिक स्टडीज से के एलेबरेट हाउ इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ तौहीद डिफर्स फ्रॉम अदर मोनोथिस्टिक रिलीजन्स। ठीक है, राइट इट्स इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल
एक ही आ गए। ओएसी हैज फेल्ड टू अचीव इट्स इनिशियल नाउ विद द न्यू वेव ऑफ इस्लामोफोबिया कमिंग विल ओआईसी बी प्रूव टू बी इफेक्टिव इफ नॉट व्हाई।